रक्षाबंधन टू ऑल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हमारे घर में हो गया है रक्षाबंधन। दीदी रात में ही आ गई थी और इसलिए सुबह जल्दी बांध दिया नहा धो के। मैं भी नहा चुकी हूँ और ये देखिए मेरी राखी। तो व्लॉग मैं स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट कर पाई क्योंकि मैं नहा रही थी। ये देखिए शुभ नहा धो के तैयार हो गया है और घड़ी में 7:30 बज रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप कि 7:30 बजे हैं सुबह के। और हैप्पी रक्षाबंधन बोलो सबको, हैप्पी रक्षाबंधन। तो जो है इसीलिए ब्लॉग में स्टार्ट सुबह नहीं कर पाई, लेकिन खुशी ने कर दिया था तो आप लोगों ने देखा। मतलब जो काफ़ी कंफ्यूजन था कि सुबह 7 बजे तक है रक्षाबंधन ये हो, तो दीदी ने 7 बजे तक बांध दी है राखी सबको। और मतलब बड़ी दीदी ने बांध दी है, अब बाकी लोग बाद में आएंगी। तो एक हिसाब तो फ्रेंड्स पूरा दिन है वैसे राखी बांध सकते हैं। शुभ मुहूर्त में भगवान जी को बांध दो और उसके बाद अपने भाई को उसी तिलक से तिलक कर सकते हो। तो शुभ मुहूर्त में फिलहाल बन गई है, भगवान जी को भी बन गई है, दीदी ने भगवान जी को भी बांध दी है और भाई को भी बांध दी है। तो एक एक राखी इन लोग के हाथ में बन गई है, बाकी और आएंगी दीदी लोग तो बांध देंगी। और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है अभी भी, चेहरा देखिए शक्ल थोड़ी डाउन है। तो तबीयत ठीक लगी तो ही मैं जाऊंगी, अदरवाइज़ मैं बुला लूँगी अपने भाई को भाभी को, देखूँगी जैसा होगा। तो फिलहाल देखते हैं और कौन कौन कब कब आता है। खाना बन रहा है उधर, दीदी देखिए किचन में लगी हैं, दीदी भी नाश्ता वाश्ता बना के जाएंगी घर राखी बांधने। दिखाती हूँ मैं दीदी से भी, मिलवाती हूँ आपको। तो दीदी ये किचन में कुछ कहने जा रही थी, वीडियो देख के चुप हो गई है। और ये सब्जी बना रही हैं दीदी और बनाने जा रही हैं छोले और सिवई बनाने जा रही है ना, सिवई बनाने जा रहे हैं। तो बन रहा है खाना। तो अब दीदी आप दीदी की बात सुन लेती हूँ, सॉरी फ्रेंड, दीदी की वीडियो देख देख के चुप हो जा रही है, मैं सुन लेती हूँ।
फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो ये शुभ बैठ गए हैं रक्षाबंधन करने के लिए, कराने के लिए टीका और राखी बनवाने के लिए गिफ्ट। इधर भी तो शक्ल करो थोड़ी, ब्लॉग में दिखो तो तुम। राखी बंधन राखी, राखी नहीं राखी। शक्ल देखो इतनी बड़ी चॉकलेट। ये और पैर कौन छुएगा? अच्छा, गिफ्ट दो। अभी ये बचा है ना, गिफ्ट दो ना। नहीं। ये क्या स्टाइल क्यों मार रहे हो? अब तो गिफ्ट दे दो। मुझे दो गिफ्ट, जल्दी करो। 10,000 रुपए नहीं, इतने में कुछ नहीं होता है। 5 रुपए इतने में कुछ नहीं होता है। सिक्का है, 5 रुपए प्लेट रख दो। चलो ठीक है, नीचे बांधो फिर ऊपर कर देंगे। तो अब बांध रही है नीवी राखी। तो फ्रेंड्स ये मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी इसी वजह से, मैं नहीं तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप। बाकी शुभ जो है अपनी बड़ी दीदी से बंधवाने गया था राखी, वो नहीं आ पाई थी क्योंकि उसको और भी जाना था। तो ये बंधवा के सुबह ही आ गए थे शुभ। तो ये नीवी खिला रही है मिठाई, और इन दोनों बहन भाई की मस्ती तो देखते ही बनती है। बहुत मस्ती करते हैं ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये देख सकते हैं इन दोनों बहन भाई का प्यार। शुभ जो है छोटी बहन समझ के इससे बहुत लड़ाई करता है, इसको बहुत डांटता है, तो बहुत ही अच्छा लगता देखने में। और यहाँ पे दीदी बांध रही है राखी अपने सबसे छोटे भाई को। तो इसी तरह जो आता जा रहा है राखी बनती जा रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। सब त्यौहार ऐसे मिलके होते हैं। और अभी बाकी दीदी लोग नहीं आई हैं, सब अपने अपने टाइम से आएंगी। तो देख सकते हैं आप लोग छोटे वाले भाई को राखी बांध रही है। रक्षाबंधन का ऐसा त्यौहार पवित्र त्यौहार है कि सबको अच्छा लगता है भाई बहन का त्यौहार। किसी के भाई दूर रहते हैं, किसी के भाई पास रहते हैं, लेकिन सब भाई बहन का प्यार इसी तरह बना रहे। मैंने भी अपनी राखी भेज दी थी बाहर, मतलब भाई को, तो उनकी भी राखी बंध गई है क्योंकि मुझे वीडियो कॉल पे मेरी बात हुई थी राखी बांधते समय, मेरी दीदी ने बांध दी थी मेरी राखी। और मुझे शगुन मिल गया था ऑनलाइन।
ये सबके राखी बन गई। और ये है हमारा छोटा बाबू, इसकी इस बार पहली राखी थी तो बहुत खुश था ये और सभी भाई बहन। बाबू बाबू फिर ना सो जाना। लो मिठाई खाओगे? मिठाई खा लो, थोड़ी खाओगे मिठाई? मिठाई खा लो, उल्ला खा बस। यहाँ पे आ गए थे मेरे भाई और भाभी, क्योंकि मैंने बुला लिया था यहीं पे, मैं नहीं जा पाई, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ उनके तिलक और राखी बांधूँगी, और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा मन भी नहीं था कुछ, तो मैंने ऐसे ही राखी बांध दी थी। तो यहाँ पे आ गई हैं सबसे छोटी वाली दीदी राखी बांधने के लिए, और सब अपने अपने टाइम से आते हैं क्योंकि सबके घर में ही बहनें आती हैं तो सब निपटा के आते हैं। तो यहाँ पे ये तिलक कर रही हैं, राखी बांध रही हैं। और फ्रेंड्स ये है मेरे भाई के घर का जो है दिल्ली का, यहाँ पे मेरी दीदी लोग टीका कर रही हैं और जो है राखी बांध रही हैं। तो भाई ने मुझे क्लिप भेजी थी तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये है मेरे भैया भाभी, बड़े भैया भाभी। तो ये मेरी दीदी राखी बांध रही हैं, उसके बाद मेरी दूसरी दीदी राखी बांधेंगी।
और साथ में छोटा भाई भी बैठा है, ये यहीं रहता था लखनऊ में, लेकिन इस बार ये भी दिल्ली में है जॉब पे, तो ये भी यहीं राखी बंधा रहा है। तो मेरी राखी भी इन लोग तक पहुंच गई है, दीदी बांध रही है सबको। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, शाम के टाइम है और सब चले गए, सन्नाटा हो गया। तो ये बिल्ली मौसी आई छोटी सी और हमारे मंदिर में चढ़ गई। तो पहले तो उसने गिराए बर्तन वहाँ पे और फिर ये सिवई खाने लगी, तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ नहीं बोला क्योंकि भोग लगा था जो मंदिर में सुबह सिवई का दीदी ने लगाया था, तो ये वही खा रही थी। तो यहाँ पे वीडियो बना रहे थे चुप्पे से, खुशी बना रही थी और इधर से निकलते समय भी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था इसको कि कोई आ रहा है या डर जाए, आराम से खा रही थी। तो हमने भी खाने दिया क्योंकि भगवान का भोग था, तो भगवान ही हो सकता है आए हों इस रूप में खाने के लिए। हे फ्रेंड्स, पता नहीं मैं वेलकम कर पाई कि नहीं कर पाई आप लोगों का। हाँ, मैंने सुबह वेलकम किया था एंड वेलकम अगेन। और शाम के बज गए हैं 8:30, सारे मेहमान चले गए हैं और आज मतलब मैं नहीं जा पाई अपने भाई के घर क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपको बताया ही था। तो भाई यहीं आ गया था, कुछ वीडियो शूट हो पाया है तो जितना बच्चों ने बनाया मैं उतना आपको दिखा दिया मैंने आप लोगों को और किस तरह से हमारे यहाँ रक्षाबंधन हुआ। तो कुछ चीज़ें नहीं शूट हो पाई हैं जो है, मुझे याद भी नहीं है फिलहाल। और दीदी लोग आई थी, सब लोग आप लोगों ने देखा, दो दीदी आई थी, एक नहीं आ पाई क्योंकि जीजा जी का आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो दीदी जीजा जी को छोड़ के नहीं आई। तो उनकी राखी आ गई थी यहाँ पर और दीदी ने बांध दी थी, बाकी ये भी बंधवाए आए थे जाके। और बस इसी तरह रहा कुछ दिन, और आज का दिन तो वैसे भी आप लोगों को पता है बिजी शेड्यूल रहता है, सब मेहमान आते हैं और मैं आज के दिन ऐसे ही बनी थी बस बिल्कुल तैयार नहीं हो पाई। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, फिर हो जाऊंगी। और कल है मेरी हैप्पी एनिवर्सरी, मींस वेडिंग एनिवर्सरी, तो मैं अपने आप को ही विश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मेरी शादी को कितने साल हो जाएंगे कल, आप लोग ज़रूर बताइएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मैं ब्लॉग तो डालूंगी, मैं बताऊंगी आप लोगों को मेरे कितने साल पूरे हो जाएंगे शादी को। तो फिलहाल सब लोग चले गए हैं, दीदी चली गई हैं, सब लोग चले गए हैं और अब मैं ये वाला ब्लॉग अभी फ़िलहाल यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।